नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए 15 गुप्त तरीके। नंबर 1, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दे। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है। आज के ज़माने में लोगों को थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। नंबर 2, और किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाए, तो आज से डरना छोड़ दे। आपको भगवान श्री कृष्ण जी की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य न करें। और आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार है। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। नंबर 3, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। हमेशा सबसे पहली चीज़ आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर आप ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। नंबर 4, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया, तो समझो कह दिया। अब आपको वह काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसा बनने की कोशिश करें। नंबर 5, सक्सेसफुल बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं, तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से यह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आप सफल नहीं है तो आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसीलिए जितने भी युवा है, वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दे। सफल हो गए तो लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दे। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। और अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसीलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करे जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को तो लाभ हो। नंबर 7, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी आपको गाँव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिले, तो
जरूर करें, मौका न छोड़ें। नंबर 8, दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेट रखना होगा ताकि जब आप बोलो तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। जो लोग जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। नंबर 9, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे तो उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर लोग आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या ऐसी चीज खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। नंबर 10, अपने टैलेंट को शो करें। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी वक्त की नहीं। वह दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसीलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर है उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। नंबर 11, बेबाकी से जवाब दें। आज वह दौर है जहां कमज़ोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करते जाते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। खुद ब खुद यदि आपसे कोई तैश में आकर बात कर रहा है तो उसे आंखों में आंखें मिलाकर बेबाकी से जवाब दो ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाए कि वह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। नंबर 12, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीख ले। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई में सम्माननीय और अच्छे व्यक्ति है। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव ही हो जाएगा। नंबर 13, सबके साथ प्यार से रहे। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देती है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सबके साथ में प्रेम के साथ बातें करें, उनके साथ जब भी समय बिताए हंसते मुस्कुराते रहे। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। नंबर 14, अपनी कमजोरी किसी को न बताए। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला लेकर चलता है लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। नंबर 15, कुछ अलग करके दिखाओ। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप
किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक के लिए फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी जिसे अपनाकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी अच्छी और बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।